ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाई ए स्ट्रिंग। इसमें एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और उसको एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक के साथ अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के थ्रू। एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम टू पुल इट, और इस पर एक कैपिटल एफ का एक फोर्स लगा रहे हैं। सरफेस स्मूथ है, सरफेस में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और पूछ रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये टेंशन आपसे पूछ रहे हैं, ये टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला काम क्या है, एसलेशन फाइंड करेंगे। एसलेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और अब आप स्मॉल एम पे फोकस करो, स्मॉल एम को एसलेट कराने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ टेंशन है, और यही आपसे पूछा गया है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। एसलेशन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा डी पार्ट। टू फिक्स फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल आर शोन इन द फिगर। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस, तो एक का एंगल दिया है 30 डिग्री और एक का एंगल दिया है 60 डिग्री। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन द टू प्लेन्स। 60 डिग्री वाले पे जो प्लेस किया गया वो है ब्लॉक ए, और 30 डिग्री वाले पे जो प्लेस किया है वो है ब्लॉक बी। जब आप क्वेश्चन का डायग्राम देखोगे शीट में तो वो उसी हिसाब से है, ए जो है वो रखा हुआ है आपका 60 डिग्री वाले पे, बी रखा हुआ है आपका 30 डिग्री वाले पे। ठीक, और पूछा ये है इन्होंने इसमें, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एसलेशन, रिलेटिव वर्टिकल एसलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वर्टिकल एसलेशन कितना है, क्लियर है? ठीक है, तो जरा देखते हैं एसलेशन होगा कितना। तो ए का जो एसलेशन होगा वो जी साइन 60 होगा नीचे की तरफ, बी का एसलेशन होगा इस तरफ जी साइन 30। जरा इनकी वैल्यूज डालते हैं, तो ए का एसलेशन हुआ जी साइन 60 मतलब जी रूट 3/2, और बी का एसलेशन हुआ जी साइन 30 यानी जी बाई टू। अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कितने होंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल हो गया 30। तो ए का एक और वर्टिकल में एसलेशन होगा, ए का एक हॉरिजॉन्टल में एसलेशन होगा, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो जो ए का वर्टिकल एसलेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है जी रूट 3/2 का कॉस 30 कंपोनेंट, कॉस 30 हो जाएगा आपका फिर से रूट 3/2। और बी का जो वर्टिकल में एसलेशन होगा, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो हो जाएगा वो जी बाई टू का कॉस 60 कंपोनेंट, कॉस 60 हाफ होता है। तो ए का जो वर्टिकल एसलेशन आ रहा है वो आ रहा है 3g/4, और बी का जो वर्टिकल एसलेशन आ रहा है वो आ रहा है g/4। अब आपका पूछा है, ए का पूछा विद रिस्पेक्ट टू वी वर्टिकल एसलेशन, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर जाएंगे तो बी तो हो जाएगा रेस्ट में, बी के पास जो कुछ है सब ए को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो बी का एसलेशन g/4 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए को मिल जाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में g/4। तो नेट एसलेशन कितना हो जाएगा, तो नीचे की तरफ है ए का अपना 3g/4, बी से जो मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में g/4, तो नेट एसलेशन जो होगा एसलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, कौन सा वाला, वो भी कौन सा वाला, वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल की कोई बात नहीं करी है इसमें, तो वो हो जाएगा आपका 3g/4 माइनस g/4, मतलब ये बचेगा g/2 और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका आंसर आएगा आपका डी पार्ट, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द वर्टिकल डायरेक्शन।